रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी आर्ट टीचर, और आज हमारा जो आर्ट का टॉपिक है वो है फाइव क्लास की स्टिल लाइफ ड्राइंग। स्टिल लाइफ ड्राइंग में हमने हर चीज़ को कंप्लीट ड्रॉ करना होता है, पिक्चर को कंप्लीट हमने लुक देनी है। उसके लिए हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है गॉड। गॉड ड्रॉ करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बेसिकली वो हैं लेड पेंसिल, रेजर, शार्पनर, कलर्स, वाटर कलर्स और मार्कर कलर्स, जो आप यूज करना पसंद करें। ये मॉडल पिक्चर है, इसमें सिंपल एक गॉड बनाया गया है और उसको स्टिल लाइफ में आपने दिखना है और बना के दिखाना भी है। ये उसका टेबल है और ये उसका बैकग्राउंड है। ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं आपको ड्राइंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहूंगी। एट द एंड ऑफ द लेसन वी विल बी एबल टू ड्रॉ सम स्टिल लाइफ इन वेजिटेबल्स। इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन। इट इज सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे टू एक्सप्रेस देयर एक्सप्रेशंस एंड मूड। सबसे पहले हमने जब स्टिल लाइफ स्टार्ट करनी है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को बहुत गौर से देखना है और ये फील करना है कि इसकी शेप किस तरफ जा रही है। गॉड है, सर्कल शेप में है, छोटे बच्चों को भी इस चीज की सेंस आ जाती है। सो हमने इसको ड्राइंग करने से पहले एक सर्कल शेप ड्रॉ करनी है। इसकी एक सर्कल शेप हमने प्रॉपरली ड्रॉ करके तो इसकी ड्राइंग स्टार्ट करनी है। सर्कल आप फ्री हैंड ड्राइंग में बना लें तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप सर्कल शेप भी यूज कर सकते हैं। अब हमने इसके सेंटर से टॉप ऑफ द सर्कल यहाँ पे एक थोड़ी सी कर्व लाइन दी और एक उसके पैरेलल दोबारा एक और कर्व लाइन दे दी। यहां से हमने इसका टॉप वाला पार्ट ड्रॉ करना शुरू किया है इस तरह से कर्व लाइन के साथ, और इसको फिर पैरेलल हमने कर्व लाइन के साथ दोबारा रिपीट कर दिया है। बहुत सिंपल ड्राइंग है गॉड की, हमने 2 में भी बनाई है और कोई मुश्किल नहीं है। इसको बनाने के बाद हमने टेबल का निशान लगाना है, रूलर लेना है और इसको इसके हाफ से नीचे तक टेबल का निशान लगा देना है। इस तरह से ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। बहुत सिंपल ड्राइंग है, बार बार बता रही हूँ। अब हमने इसका जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको अरेज कर देना है और अपनी ड्राइंग को फाइनल शेप में देखना है कि ये एक्यूरेट है। जी हाँ, ये एक्यूरेट है। जहां आपको एक्स्ट्रा लाइंस नजर आ रही हैं आप इसको अरेज कर दें और उसको फाइन कर लें थोड़ा। उसके बाद हमने इसकी कलरिंग देखनी है कि ऑब्जेक्ट क्योंकि नेचुरल है इसलिए हमने इसके कलर्स को भी उसके करीब तरीन रखना है, अपनी मर्जी का कलर नहीं कर सकेंगे। मोस्टली इसका कलर ग्रीन होता है, समटाइम थोड़ा लाइट, समटाइम थोड़ा ब्राइट, सो हम मीडियम ग्रीन कलर में जाएंगे। कलर करने के लिए कलर की टेक्निक यही है कि आप कलर को दबा के ड्राइंग की शेप के मुताबिक अपने हाथों को मूव करें और उस शेप के मुताबिक आप इसको शेप देते जाएं। सबसे पहले हम मेन ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें कलर स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट गॉड ही है, इसलिए लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करते जाएंगे हम। ये हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है गॉड के अंदर। अब हम इसके टेबल में शेड करेंगे। टेबल का शेड थोड़ा डिफरेंट लेंगे और डल होगा। मैं ये टेबल के शेड के लिए क्रेयॉन्स कलर यूज कर रही हूँ। ये सॉफ्ट होते हैं और जल्दी अप्लाई हो जाते हैं, और इसको मैंने ऑब्जेक्ट में इसलिए नहीं यूज किया कि ये आपसे हैंडल नहीं होंगे। ये खुली जगह पे यूज कर सकते हैं आप, जैसे मैं टेबल में कर रही हूँ आप भी कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनका सॉफ्ट होने से ये जल्दी अप्लाई हो जाते हैं, आपका हाथ नहीं थकेगा और जल्दी कवर कर देंगे आपके पेज को। ख्याल करेंगे ये लाइन से आगे पीछे ना हो, कंट्रोल रखें इसको। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। ये इसके शेडो को थोड़ा सा डार्क करेंगे इसी के ऊपर। ब्लैक कलर से मैंने इसकी आउटलाइन दी है, हल्का हाथ रखते हुए इसको ग्रे की टोन में रखा है।
मजीद इसको मिक्स करने के लिए लाइट ग्रे यूज कर लेंगे। ये हमने इसका शेडो भी ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी बैक साइड को भी कवर कर देंगे हल्के किसी भी हल्के कलर के शेड के साथ। ये लाइट ग्रे कलर के साथ मैंने इसके बैकग्राउंड को भी फिल कर दिया है और उससे पहले मैंने मस्टर्ड कलर के साथ इसके टेबल के शेड को कंप्लीट करके उस पर शेडो लगा दिया था। अब तकरीबन इसका बैकग्राउंड मुकम्मल हो गया है। एक मुकम्मल तस्वीर को ही स्टिल लाइफ कहा जाता है, जिसके बैकग्राउंड में भी कलर हो, उसके टेबल में भी हो, उसके ऑब्जेक्ट में भी हो। अब हमारी स्टिल लाइफ कंप्लीट है इस वक्त। उम्मीद है कि आपको ड्राइंग और इसकी कलरिंग दोनों समझ आ गई होंगी। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी क्योंकि आप इसे 2 में भी ड्रॉ कर चुके हैं।